प्रोफेसर राजन कुमार, जो अभी मनीष बता रहे थे, जो भारत का पक्ष भी है, जो एस जयशंकर ने कल कहा है, जो भारत लगातार कहता रहा है कि हम तैयार हैं किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए, पूरी तरह से भारत तैयार है, लेकिन हम शांति चाहते हैं, इस वजह से बातचीत से रास्ता ही निकालना होगा। आपको क्या लगता है कि बातचीत से ही रास्ता निकलेगा, और क्या चीन बातचीत के जरिए रास्ता निकालने के लिए सकारात्मक रुख सामने रखेगा? देखिए, मेरे हिसाब से बातचीत जरूरी है और बातचीत के महत्व को हम डिनाय नहीं कर सकते, क्योंकि जो छठे राउंड की भी जो बातचीत हुई है उसमें यह बताया गया था कि जो ज्यादा ट्रुप्स और नए ट्रुप्स वहां पे नहीं लाए जाएंगे, तो उसका एक महत्व है। उसमें जिस बात पे कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया वो ये बात हुई थी कि वहां से जो फ्रंटलाइन सोल्जर्स जो कि बिल्कुल 200 300 500 मीटर पे हैं एक दूसरे के आमने सामने, उनको कहां से हटाया जाए। लेकिन मैं बता दूं कि हम लोग को भारत के जो लोग हैं उनको यह समझना पड़ेगा कि अभी का जो स्टैंड ऑफ है भारत और चीन के बीच में, यह पहले के जो दोकलाम या चूमर या 2012-13 में जो थे उससे काफी अलग है। चीन को लग रहा है कि आप देखेंगे कि चीन ने एक तरह से पूरे ऊपर का जो काराकोरम सेक्टर है, देपशांग है, और नीचे जो पैंगोंग शो लेक से स्पेंगोर शो लेक तक, वहां तक बिल्कुल एक वॉल की तरह अपनी आर्मी को खड़ा कर दिया। उसका कारण बस एक है कि चीन को लगता है कि भारत के आर्मी जो अक्साई चीन का एरिया है, जो उनका वेस्टर्न हाईवे है, उसकी ओर बढ़ सकता है, उसकी ओर फॉरवर्ड मूवमेंट कर सकता है, और इसी कारण से चीन काफी सतर्क है, चीन काफी डरा हुआ भी है, और भारत को भी इसके लिए अब तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंड ऑफ वहां पे अभी चलेगा, डायलॉग भी चलेगा और स्टैंड ऑफ भी चलेगा। आप देख रहे हैं कि डायलॉग में भी एक तरह से डेडलॉक आ गया, जिस ढंग से आर्मी का जो आमने सामने में एक स्टैंड ऑफ आ गया, उसी तरह से डायलॉग में भी एक डेडलॉक आ गया, और डेडलॉक में आगे जो निगोशिएशन होने चाहिए, बातचीत होने चाहिए, जैसा कि दोपहर पहले हुआ, वो इसीलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि चीन को लगता है कि अगर हम पीछे जाते हैं तो भारत शायद आगे बढ़ेगा, और इसी कारण से अभी स्टैंड ऑफ वहां पे चलेगा। बिल्कुल, ये चीन का डर भी है, इसलिए स्टैंड ऑफ अभी चलेगा, लेकिन बातचीत के जरिए रास्ता निकल सकता है, भारत ने कहा भी है, भारत की कोशिश भी होगी। लेकिन आपको बताते हैं कि भारत चाहता क्या है। दरअसल भारत क्या चाहता है वो आपको आइए ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। भारत ये चाहता है कि देपसांग से चीनी सैनिक पीछे हटे, ये भारत का पक्ष है। भारत ने साफ तौर पर रखा है कि चीनी सैनिक देपसांग से पीछे हटे, ये भारत चाहता है। पेंगोंग और दूसरी जगहों पर भी बातचीत हो, यानी पेंगोंग से और बाकी जगहों पर जहां चीनी सैनिक मौजूद है उस पर भी बातचीत हो, लेकिन पहले देपसांग से पीछे हटे। फिंगर एरिया को चीन खाली करे, ये भी भारत का पक्ष है, क्योंकि चीन यहां पर आगे आया था। चीन बंकरों का निर्माण बंद करे, क्योंकि चीन यहां पर बंकरों का निर्माण कर रहा है, तो वो जो फिजिकल कंस्ट्रक्शन है, जो बंकरों का निर्माण है, उसे बंद कर देना चाहिए। हम आपको ये भी बताएंगे कि कब कितने घंटे तक बातचीत चली। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके न घर के न घाट के, देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,